सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। हमने इस वीडियो में दोनों गतिविधियों को भी शामिल किया है। आइए गतिविधि एक को देखते हैं। यहाँ पर हमें सही या गलत बताना है। पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। यह बिल्कुल सही है, इनसे संबंधित नहीं है। यहाँ बताया गया है जो विज्ञान प्राकृतिक और भौतिक, सामाजिक अध्ययन प्राकृतिक भौतिक, और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं तथा मुद्दों को समावेशित करता है। चित्र एक में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं, तो यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है, फिर भी इसका आंसर है गलत। केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं, तो यह गलत है, क्योंकि गणित विज्ञान भी पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए विषय हैं। पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है। पर्यावरण इन सब से संबंधित है, भाषा से भी संबंधित है, गणित से भी संबंधित है। आइए गतिविधि 4 को देखते हैं। इसमें भी हमें सही या गलत ही बताना है। जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं, तो बिल्कुल सही है, दोनों ही जल। जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित होती हैं, तो ये गलत है। जल संग्रहण इकाइयाँ दोनों होती हैं, मानव निर्मित भी होती हैं और प्राकृतिक भी होती हैं। सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं, तो ये गलत है। सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन नहीं हैं। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं, तो ये सही है। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाई हैं, तो यह सही है। सभी जल संसाधन जल भंडारण तो हैं, लेकिन सभी जल भंडारण जल संसाधन नहीं है। आइए प्रश्नोत्तरी भाग को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्य संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो देखो, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, यह सही है बिल्कुल। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, यह सही है इसमें। बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है, तो विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसमें रूब्रिक्स सबसे उपयुक्त है, जैसा कि हमने पिछली ट्रेनिंग में रूब्रिक्स के बारे में देखा था। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं, तो पहला है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इसमें प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है, ये अनुरूप नहीं है। कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका आंसर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। जब बच्चे साथ में खेलेंगे, साथ में सीखेंगे, तो उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा।
प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, जिससे कि छोटे बच्चे आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर हमारा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है तो परिभाषाओं को याद करने को बढ़ावा नहीं देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।